नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ 2 मिनट में बनने वाली वेज फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने चावल पहले से ही बना के रख लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने चावल बना लिया है। और फ्राइड राइस बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स है वो बता देती हूँ। ये मैंने पत्ता गोभी ली है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, स्प्रिंग ओनियन, 8-10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च। सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च, नमक और सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इस ऑयल को कढ़ाई की पूरी सतह पर भी अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारा तेल बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और इसे अच्छा तेज गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हम 8-10 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। और अब इसमें प्याज डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई पे रख रहे हैं क्योंकि हमें सब्जियां बिल्कुल पकाना नहीं है, हल्की सी बस उसका कच्चापन जाए इतना सा और क्रंची उसका रहे टेस्ट। अब हम इसमें सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता को भी और थोड़ा सा मैं स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ, बाकी मैं गार्निशिंग में काम में लूंगी। इसे भी हम 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर ही अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड्स, चावल भी मैंने कुकर में जैसे हम रोज खाना बनाते हैं और दाल चावल बनाते हैं वैसे ही बनाया है। 1 मिनट हमने इसे अच्छे से हिलाते हुए सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सब्जियां बहुत अच्छे से हल्की सी सिक गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। 1/2 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। सोया सॉस 1/2 चम्मच की करिए, रेड चिली सॉस 1/2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1/2 चम्मच डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच के करीब ही मैं इसमें विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे सॉस हमारी सब्जी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो कि हमने बना के रखा हुआ है। इसे भी हल्के हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारा वेज फ्राइड राइस बनकर तैयार है। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन और वाइट जो हमारा ऑनियन होता है उसके रिंग्स से इसे गार्निश कर दिया है। इसे बनाने में हमें सिर्फ 2 ही मिनट लगे हैं। आप भी इस तरह बहुत आसानी से इसे बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और मेरी चैनल किरण्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।